सो हेलो गाइस, दिस इज रवेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्विक सॉर्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम बेसिकली है क्या। तो बेसिकली तो इधर यहां हमारा आ रहा है सॉर्ट। तो बेसिकली क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम की एल्गोरिथम है क्या, बेसिक जनरल अगर हम ब्रीफ में बात करें तो इसमें हमें एक अनसॉर्टेड एरे दिया होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 9, 3, 2, 10, 11, -22। हमें इसे सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्विक सॉर्ट मतलब कि ये सबसे क्विकेस्ट सॉर्ट है और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ ऑफ एन लॉग एन। ओके गाइस, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ ऑफ एन लॉग एन। तो बेसिकली अब क्विक सॉर्ट, डायरेक्ट हम क्विक सॉर्ट पे आते हैं। क्विक सॉर्ट में होता क्या है, तो क्विक सॉर्ट में बेसिकली हम एक पाइवट एलिमेंट मानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पिवट एलिमेंट मानते हैं। अब पिवट एलिमेंट ना हम इस एरे में से ही मानते हैं। जो पिवट एलिमेंट होता है हम इस एरे के किसी भी एलिमेंट को मान लेते हैं, या तो हम इसके फर्स्ट एलिमेंट को जो कि है 9 उसको पिवट एलिमेंट मान सकते हैं, या फिर इसके लास्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट मान सकते हैं, या फिर इसके मीडियन एलिमेंट को पिवट एलिमेंट मान सकते हैं, या फिर किसी भी रैंडम एलिमेंट को हम पिवट एलिमेंट मान सकते हैं। अब ये पिवट एलिमेंट क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो तो आपको वीडियो के साथ साथ समझ में आती जाएगी। तो इस वीडियो में जो मैं एल्गोरिथम डिस्कस करने वाला हूं उसमें मैं पिवट एलिमेंट मानने वाला हूं स्टार्टिंग, जो एरे के सबसे स्टार्टिंग में है, जो कि अभी 9। तो पिवट एलिमेंट मैंने माना है सबसे स्टार्टिंग में 9 में। तो बेसिकली होता क्या है, इसकी एल्गोरिथम है क्या। तो जैसे कि हमारे पास ये एरे है, हमें क्या करना होता है, इस पिवट एलिमेंट की ना करेक्ट पोजिशन फाइंड आउट करनी होती है इन द सॉर्टेड एरे। अब अगर इस एरे को हम सॉर्ट करेंगे, अगर हम इस एरे को सॉर्ट करेंगे, इसमें मैं इस एरे में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और कर देता हूं, यहां पर मैं 9 कर देता हूं। अब ये मॉडिफिकेशन मैंने क्यों करी है ये भी आपको समझ में आ जाएगी। तो इसकी सॉर्टेड फॉर्म क्या होगी, बेसिकली इसकी सॉर्टेड फॉर्म क्या होगी, इसकी सॉर्टेड फॉर्म में सबसे पहले आएगा -22, देन 2, देन 3, -22, 2, 3, देन 9, देन 9, देन 10, देन 11। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट आने वाला है। तो बेसिकली अब हमने पाइवट एलिमेंट ना जो भी एरे के एलिमेंट के सबसे स्टार्टिंग में उसे माना है। तो अब सबसे पहले हमें इस पाइवट एलिमेंट की ही करेक्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी होगी अपनी एल्गोरिथम में, फिर हम बाकी का एरे की बाकी के एलिमेंट्स की करेक्ट पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए जो ये पाइवट एलिमेंट है ना वो ये पाइवट एलिमेंट है, ठीक है गाइस। तो अब पाइवट एलिमेंट हमारा बीच में कहीं पर आएगा, राइट। जो पाइवट एलिमेंट है वो बीच में कहीं पर आएगा, यहां पर हमारे कुछ एलिमेंट होंगे और यहां पर हमारे कुछ एलिमेंट होंगे। जो एलिमेंट हमारे यहां पर होंगे, लेट सपोज ये पार्टीशन वन में आते हैं, पार्टीशन वन में आते हैं, जो एलिमेंट यहां पे होंगे ये हमारे पार्टीशन टू में आते हैं, पार्टीशन टू में आते हैं। अब जितने भी एलिमेंट पार्टीशन वन में होंगे ना वो छोटे होंगे पाइवट एलिमेंट से या फिर 9 से, और जो भी 9 के बाद वाले एलिमेंट्स है पार्टीशन टू में वो उससे बड़े होंगे, ठीक है गाइस। तो हमारा एरे कैसे बन जाएगा, और जो भी 9 के इक्वल है, जो भी 9 के इक्वल है वो पार्टीशन वन में भी जा सकते हैं, पार्टीशन टू में भी जा सकते हैं। वो तो हम जैसा कोड लिखेंगे वो वाले एलिमेंट वैसे ही चले जाएंगे, पर जो मैं कोड लिखने वाला हूं उसमें वो पार्टीशन वन में जाने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 9 जो है, जो ये पाइवट एलिमेंट के इक्वल है, ये पार्टीशन वन में गया है, ये पार्टीशन टू में भी जा सकता है, डजंट मैटर। वो मैं आपको कोड में चेंजेस करके बता दूंगा कि कैसे जाएगा वो पार्टीशन टू में, ठीक है गाइस। तो यहां पर हमारे कौन से एलिमेंट आने चाहिए अभी मैं बताऊंगा कि आपको ये करेक्ट पोजीशन कैसे फाइंड आउट करनी चाहिए, ठीक है। फिर यहां पर हमारे -22 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा। अभी इनका ऑर्डर ना ये वाला ऑर्डर नहीं होगा, ये किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, ठीक है। पार्टीशन वन के एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, बस ये 9 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में हो, देखो 2 पहले नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब कि बस 9 से छोटे होने चाहिए जो भी पार्टीशन वन में एलिमेंट है। पार्टीशन टू में जो एलिमेंट है वो ये है। अब हमने 9 की करेक्ट पोजिशन फाइंड आउट कर ली है, अब हमें क्या करना है, इस वाले एरे में दोबारा से क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम की मदद से ये चीज रिकर्सिवली कॉल करनी है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें ये वाले पार्टीशन वन, जो पार्टीशन वन है ना उसको ना हम एक अरे अलग एरे की तरह ट्रीट करेंगे,
जैसे -22, 3, 2, 9 इसमें पाइवट एलिमेंट हो जाएगा -22, तो -22 को यहाँ आएगा, ठीक है, फिर 3, 2 खाएगा। अब देखो 3, 2 और 9 तीनों इनसे बड़े हैं तो तीनों यहां पे आ जाएंगे। अब हम -22 को प्लेस कर चुके हैं और पार्टीशन 1 में कुछ है नहीं, तो हम पार्टीशन 2 को सॉल्व करेंगे। जैसे हम पार्टीशन 2 को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा 3 है वो हमारा पाइवट एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि 2 3 से छोटा है तो वो पार्टीशन 1 में आएगा और फिर 9 यहां पे आएगा। मतलब रिकर्सिवली हमें काम करना है। कब तक काम करना है, कब तक काम करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मतलब हमारी बेस कंडीशन क्या होगी, ठीक है, या फिर हमें रोकनी कब है अपनी रिकर्शन। तो जैसे कि अगर ये लोअर बॉन्ड है, स्टार्टिंग बॉन्ड हम लोअर बॉन्ड कह देते हैं और ये वाला बॉन्ड, ये वाला पॉइंट हम अपर बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है गाइस। ये वाला पॉइंट अपर बॉन्ड है, ये वाला पॉइंट लोअर बॉन्ड है। तो हो क्या रहा है, जब तक लोअर बॉन्ड इज लेसर देन अपर बॉन्ड तब तक हमें काम करना है। लोअर बॉन्ड इज लेसर देन अपर बॉन्ड तब तक हमें काम करना है। अब देखो ये 3 जो 3 है वो भी अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है। अब हम इस 2 को और 9 को करेक्ट पोजीशन पर प्लेस करेंगे। तो ये पार्टीशन 1 है, तो पार्टीशन 1 का पहला एलिमेंट पिवट एलिमेंट बनेगा। अब इसके इधर लिखने को हमें कुछ भी नहीं है, पार्टीशन 1 में इधर लिखने को कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हमें स्टॉप करना है, क्योंकि यहां पर लोअर बॉन्ड भी इसे पॉइंट करेगा, अपर बॉन्ड भी इसे पॉइंट करेगा। लोअर बॉन्ड इज इक्वल टू अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड इज नॉट लेसर देन अपर बॉन्ड, ठीक है गाइस। तो हमें ये काम रिकर्सिवली करना है। तो मैंने आपको सारी एल्गोरिथम बता दिया, बस मैंने आपको इनिशियल स्टेप नहीं बताया कि हम इसकी पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले छोटा सा हम कोड ऑफ पीस लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि हम इसकी पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा क्विक सॉर्ट। हमारे पास ये वाला एरे गिवन है, ये वाला एरे गिवन है, क्विक सॉर्ट नामक हमारा फंक्शन है, ठीक है। इसमें हमने, इसमें हमें एरे गिवन है, लोअर बॉन्ड गिवन है, अपर बॉन्ड गिवन है। लोअर बॉन्ड क्या है, 0 है, ठीक है। अपर बॉन्ड क्या है, 6 है। एरे की लेंथ, एरे डॉट लेंथ -1, क्या है, एरे डॉट लेंथ -1, राइट गाइस। अब हमने ब्रैकेट खोला है यहां पर, इसे मैं पहले से डिवाइड कर लेता हूं। अब मैंने ब्रैकेट खोला। अब गाइस जो मेरा क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है वो कब तक चलेगी, जब तक लोअर बॉन्ड लेसर देन अपर बॉन्ड होगा। इफ लोअर बॉन्ड इज लेसर देन अपर बॉन्ड, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन निकालनी है। वो नहीं पता हमें लोकेशन कैसे निकालनी है, बस हमें लोकेशन निकालनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालनी है। तो मान लो इंट लोकेशन, हमारे पास कुछ लोकेशन आती है और वो जो लोकेशन है वो सॉल्व फंक्शन हमें सॉल्व करके देगा। अभी वो सॉल्व फंक्शन की एल्गोरिथम और मैं आपको बताऊंगा वो कैसे चलता है। इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, एरे पास कर रहे हैं, लोअर बॉन्ड पास कर रहे हैं, अपर बॉन्ड पास कर रहे हैं। तो वो वाली लोकेशन, अब ये सॉल्व फंक्शन हम लिखेंगे और ये सॉल्व फंक्शन ही बैकबोन है क्विक सॉर्ट का। तो हमें लोकेशन मिल गई, पिवट एलिमेंट की लोकेशन मिल गई। अब हमें पार्टीशन 1 में क्विक सॉर्ट को कॉल करना है रिकर्सिवली और पार्टीशन 2 में क्विक सॉर्ट को कॉल करना है रिकर्सिवली। तो हम कॉल करेंगे क्विक सॉर्ट पार्टीशन 1 में। अब जो पार्टीशन 1 है वो कहां से कहां तक है, लोअर बॉन्ड से लेकर है लोकेशन -1 तक। ये अगर ये लोकेशन है तो इसके एक कदम पहले लोकेशन -1 होगा, इसके एक कदम बाद लोकेशन +1 होगा। तो इतना पोर्शन क्या होगा, लोअर बॉन्ड से लेकर लोकेशन -1 तक। तो यहां लिख देंगे अपन लोअर बॉन्ड से लेकर लोकेशन -1 तक, ठीक है। अब हमने पार्टीशन 1 के लिए जो ये वाली लाइन है, पार्टीशन 1 के लिए हमने रिकर्सिवली कॉल करा है, ठीक है गाइस। अब पार्टीशन 2 के लिए हम रिकर्सिवली कॉल कर लेते हैं। जब हम पार्टीशन 2 के लिए रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो हमारे पास लोअर बॉन्ड क्या होगा, लोकेशन +1 से लेकर एरे डॉट लेंथ तक, ठीक है ना। लोकेशन +1 से लेकर सपोज की एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ -1, एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है ना एरे में, तो एरे डॉट लेंथ -1 हमने लिख दिया है। ओके गाइस, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था हमारा, या फिर हम कह सकते हैं बेसिक कोड था हमारा क्विक सॉर्ट का। अब हमें जो क्विक सॉर्ट की बैकबोन है सॉल्व फंक्शन, मतलब कि हम पिवट एलिमेंट की पोजीशन कैसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं, वो हमें निकालना है, राइट गाइस। तो अब हमें करना क्या है, यहां पर हमें 2 पॉइंटर बनाने होंगे। यहां पर मैं समझा देता हूं, यहां पर मैं अपना एरे दोबारा लिखता हूं और यहां पर मैं अपना सॉल्व फंक्शन लिख दूंगा,
सॉल्व एरे लोअर बॉन्ड अपर बॉन्ड और यहां पर ओपन हुआ और यहां पर हमारा क्लोज हुआ। ये थोड़ा बड़ा कोड है। अब देखो मैं एरे कॉपी कर लेता हूं 9, 3, 2, 10, 11, 9 एंड -22। अब गाइस मैंने कहा था कि पिवट एलिमेंट के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, सॉरी पिवट एलिमेंट के मेरे लेफ्ट में और आपके राइट में, तो पिवट एलिमेंट के राइट में, आपके राइट में मतलब पार्टीशन वन में, ठीक है, जितने भी एलिमेंट होंगे वो इससे छोटे होंगे या फिर इसके इक्वल होंगे। ठीक है गाइस, तो हम यहां से चालू करेंगे। यहां पर एक पॉइंटर रखेंगे स्टार्ट, यहां पर एक पॉइंटर रखेंगे एंड। ठीक है, अब हम एंड को तब तक बढ़ाएंगे जब तक कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल जाता जो कि पिवट एलिमेंट। पिवट एलिमेंट क्या है अभी हमारे पास? पिवट एलिमेंट है 9, 9 की हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो हमें 9 की करेक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए स्टार्ट को तब तक बढ़ाना है जब तक कि हमें कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए जो 9 से बड़ा हो, क्योंकि जहां पर 9 से बड़ा एलिमेंट मिला वहीं पर गड़बड़ है, क्योंकि इधर की साइड वही एलिमेंट होनी चाहिए जो 9 से छोटे हैं या फिर 9 के इक्वल है। तो ये वाला एलिमेंट क्या 9 से बड़ा है? नहीं, ये तो 9 के इक्वल है। ये वाला एलिमेंट क्या 9 से बड़ा है? नहीं, ये तो 9 से छोटा है। क्या ये वाला एलिमेंट 9 से बड़ा है? नहीं। क्या ये वाला एलिमेंट पिवट एलिमेंट से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो हम स्टार्ट को लेंगे यहां पर, राइट गाइस। अब एंड को हम तब तक डिक्रीमेंट करेंगे जब तक हमें कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए। अब यहां पर कौन सा एलिमेंट है जो कि बड़े हैं, जो कि बड़े हैं मतलब जो कि पिवट एलिमेंट से बड़े हैं, तो हम एंड को तब तक माइनस माइनस करेंगे जब तक हमें कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जो कि छोटा है, जो कि उससे छोटा या फिर इक्वल है। ठीक है, अब देखो क्या -22 पिवट एलिमेंट से बड़ा है? नहीं, -22 तो पिवट एलिमेंट से छोटा है, पर यहां तो सारे बड़े एलिमेंट आ रहे हैं ना, तो हम इसे यहीं पर रोक देंगे। अब यहां पर हमारा स्टार्ट है, यहां पर हमारा एंड है, और हम स्टार्ट और एंड को स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? यहां पर आएगा -22, यहां पर आएगा 10। अब स्वैप करने के बाद हम दोबारा से स्टार्ट को इंक्रीमेंट करेंगे। अब -22 क्या पिवट एलिमेंट से बड़ा है? नहीं, बड़ा नहीं है, तो स्टार्ट हमारा इधर पॉइंट करेगा। फिर हम देखेंगे क्या 11 पिवट एलिमेंट से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो हम यहां पर ही रुक जाएंगे। फिर हम एंड को डिक्रीमेंट करेंगे जब तक हमें कोई छोटा नंबर नहीं मिल जाता या फिर उसके इक्वल नंबर नहीं मिल जाता। ठीक है, फिर जब हमने एंड को देखा क्या जो 10 है वो छोटा और इक्वल है पिवट एलिमेंट के? नहीं है, तो फिर एंड अब यहां पॉइंट करेगा, राइट। अब हमने देखा कि जो एंड है क्या वो छोटा है और इक्वल है, क्या वो छोटा है और इक्वल है पिवट एलिमेंट के? हाँ, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि वो इक्वल है पिवट एलिमेंट के, और हम स्टार्ट और एंड को स्वैप कर देंगे। अब हम दोबारा से स्टार्ट और एंड चलाएंगे अपने। अब हम देखेंगे क्या जो ये स्टार्ट है ये बड़ा है पिवट एलिमेंट से? नहीं, ये तो इक्वल है, तो हम स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम देखेंगे क्या जो स्टार्ट है वो पिवट एलिमेंट से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। फिर हम देखेंगे क्या जो एंड है, क्या जो एंड है वो पिवट एलिमेंट से छोटा है या फिर इक्वल है? नहीं, वो तो पिवट एलिमेंट से बड़ा है क्योंकि वो 11 है। अब एंड क्या आ जाएगा हमारा? डिक्रीमेंट होकर आ जाएगा यहां पे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या जो एंड है वो छोटा है और इक्वल है? हाँ वो इक्वल है पिवट एलिमेंट के, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टार्ट और एंड क्रॉस करते हैं, तो यहां पर हमारी इंडिकेशन है अब हमें स्टार्ट और एंड को स्वैप नहीं करना है। अब हमें कहां किसको स्वैप करना है? जो भी लोअर बॉन्ड पे एलिमेंट है ना, ये लोअर बॉन्ड है अपर बॉन्ड है, उसको स्वैप करना है, क्योंकि यही हमारा पिवट एलिमेंट है, उसको स्वैप करना है हमें एंड के साथ, राइट। जो भी हमारा पिवट एलिमेंट है उसको स्वैप करना है हमें इसके साथ। तो हमने 9 को इसके साथ स्वैप करा, तो यहां पर भी 9 आ जाएगा, यहां पर भी 9 आ जाएगा। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा। अब देखो हुआ क्या, जैसे कि हमारा एरे है तो यहां पर हमारा पिवट एलिमेंट प्लेस हो चुका है, यहां पर आ चुके हमारे 9, 3, 2, -22, यहां पे आ चुके हमारा 11 और 10। मैंने कहा था इनका ऑर्डर ऑर्डर सेम नहीं होगा, ठीक है, पर हमने करेक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर ली है पिवट एलिमेंट की। तो आई होप आपको अब एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी सॉल्व फंक्शन की। सॉल्व फंक्शन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। सबसे पहले हम स्टार्ट पॉइंटर को रखते हैं लोअर बॉन्ड में सबसे शुरुआत में, एंड को रखते हैं
अपर बॉन्ड पे पिवट एलिमेंट क्या है हमारे पास, पिवट एलिमेंट है हमारे पास, फटाफट लिख देता हूँ क्योंकि एल्गोरिथम आपको समझ में आ ही गई है। पिवट एलिमेंट है जो एरे मिला है उसका सबसे शुरू वाला, मतलब लोअर बॉन्ड वाला, राइट। अब हमें कब तक स्टार्ट को प्लस प्लस करना है, हमें जब तक स्टार्ट को प्लस प्लस करना है। अब इस एक सेकेंड, अब हमें कब तक स्टार्ट को प्लस प्लस करना है, हमें जब तक स्टार्ट को प्लस प्लस करना है जब तक एरे ऑफ स्टार्ट इज लेसर देन इक्वल टू पिवट एलिमेंट, राइट गाइस। जब तक एरे ऑफ स्टार्ट इज लेसर देन इक्वल टू पिवट एलिमेंट तब तक हमें स्टार्ट प्लस प्लस करना है। अब हमें एंड माइनस माइनस कब तक करना है, एंड माइनस माइनस हमें तब तक करना है जब तक एरे ऑफ एंड इज ग्रेटर देन पिवट एलिमेंट, ठीक है। और फिर हमें रुक जाना है, फिर हमें रुक जाना है और स्टार्ट और एंड वाले को स्वैप करना है। कब स्वैप करना है, जब जब स्टार्ट इज लेसर देन एंड, क्योंकि जब जब स्टार्ट लेसर देन एंड होगा तभी हमें स्टार्ट और एंड को स्वैप करना है। अदरवाइज हमें किसको स्वैप करना है, जब स्टार्ट और एंड क्रॉस कर जाएंगे तो हमें एंड वाले को स्वैप करना है लोअर बॉन्ड के साथ। तो हम यहां पर कंडीशन लगा देंगे कि अगर स्टार्ट छोटा होगा हमारे पास एंड से तो हमें स्वैप करना है, किसको स्वैप करना है, हमें स्वैप करना है एरे ऑफ स्टार्ट को एरे ऑफ एंड के साथ, ठीक है गाइस। और ये कब तक प्रोसेस चलेगा, जब तक स्टार्ट लेसर देन एंड है, कब तक प्रोसेस चलेगा, जब तक स्टार्ट इज लेसर देन एंड है तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहां पर हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये व्हाइल लूप के अंदर, आउटर व्हाइल लूप के अंदर दो व्हाइल लूप है और एक इफ स्टेटमेंट है, और इसके बाद जब स्टार्ट इज लेसर देन एंड फॉल्स हो जाएगा, जब हमारा स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड हो जाएगा तब हमें क्या करना है, हमें एंड वाले को और लोअर बॉन्ड वाले को स्वैप करना है। वी विल स्वैप द एलिमेंट एट एंड पोजीशन एंड द एलिमेंट एट लोअर बॉन्ड व्हिच इज द पिवट एलिमेंट, ओके। एलिमेंट एट एंड पोजीशन एंड द एलिमेंट एट लोअर बॉन्ड व्हिच इज द पिवट एलिमेंट, राइट गाइस। और फाइनली हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है अपना लोकेशन, और लोकेशन क्या है हमारे पास, एंड वाली तो लोकेशन है क्योंकि हमने पिवट एलिमेंट को जब यहां पे स्वैप करा तो इसका इंडेक्स ही तो हमारी लोकेशन होगी, तो हमें रिटर्न करना है एंड, जो कि हमारी लोकेशन में स्टोर हो जाएगी। फिर हम पार्टीशन वन को कॉल करेंगे और पार्टीशन टू को कॉल करेंगे। तो ये था हमारा सॉल्व फंक्शन, इसका रिटर्न टाइप होगा इंट, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारे पास पूरी क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव एल्गोरिथम भी है क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन लॉग एन है। तो आई होप आपको क्विक शॉर्ट अब आराम से समझ में आ गई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो तो हमारे चैनल पे नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगली एल्गोरिथम से डेटा स्ट्रक्चर या किस डेटा स्ट्रक्चर में आप मैं वीडियो बनाऊं, या फिर कौन सी एल्गोरिथम आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए बाय बाय।